प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बनी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी जहां ऐतिहासिक बताते हुए सराहना करने में जुटी है, वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज की आलोचना कर रही है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि 100 दिनों में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अभूतपूर्व हैं। मोदी जी के तीसरे बार के ये 100 दिन अभूतपूर्व हैं। जिस तरह से हर दिन नित नई योजना की घोषणा नहीं हुई, उनका पालन भी हो रहा है। जिस कार्य का शिलान्यास किया जाता है, उसका उद्घाटन भी हो रहा है। और 100 दिन के समय में जिस तीव्र गति से कार्य हुआ है, उससे स्पष्ट नज़र आता है देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। अति शीघ्र ये देश विकसित भारत होगा। वहीं मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार विफल रही है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की मातृशक्ति, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले, मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में आज तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज तक उन्होंने मणिपुर का नाम 10 सेकंड के अलावा लिया नहीं, वो भी मजबूरी में, जब पूरे देश ने प्रेशर बनाया, पार्लियामेंट में आवाज़ उठी तब जाकर के 10 सेकंड बोले, लेकिन आज तक मणिपुर में शांति नहीं हो पाई। मणिपुर पूरा जल रहा है। पूरे देश के अंदर धर्म के आधार पर विभाजन की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक धर्म के आधार पर विभाजन की बात कर रहे हैं।